भगवान से चाहने वाले कौन हैं? ये निष्काम नहीं है। और सुख कहां मिलना है? निष्काम। अच्छा बताओ, सुदामा जी कृष्ण से चाहते थे या कृष्ण को चाहते थे? जोर से। सुदामा जी कृष्ण से चाहते थे या कृष्ण को? कृष्ण से चाहते तो वो मांग लेते कि हे कन्हैया मुझे ये दे दो। पर सुदामा जब द्वारिका गए तो सुदामा कृष्ण से कुछ लेने नहीं गए, अपनी हैसियत अपनी औकात के अनुसार चार मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे कि प्रभु लाया हूं देने, लेने नहीं आया। तो वो कृष्ण से नहीं चाहते थे, वो कृष्ण को चाहते थे। मीराबाई कृष्ण से नहीं चाहती थी। मीरा ने कृष्ण से नहीं चाहा, मीरा ने कृष्ण से नहीं चाहा, उन्होंने कृष्ण को चाहा। और आज का आदमी कृष्ण से चाहता है कृष्ण को, राम से चाहता है राम को। सबरी माता ने राम से चाहा या राम को चाहा? जोर से। सबरी माँ ने राम से चाहा या राम को चाहा? राम को चाहा। और आप राम से चाहते हैं या राम को चाहते हैं? बताओ, आप अपने आप से पूछ कर बताइएगा। ये उत्तर आप अपने आप को दीजिएगा, हमें नहीं, हम क्या करेंगे उस उत्तर का। ये तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप भगवान से चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं। और ये भी विचार करिए कि क्या भगवान से चाहना, अच्छा भगवान से आप क्यों चाहते हैं? वैसे भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बिना मांगे। ईश्वर ने जब बिना मांगे इतना दिया तो मांग कर छोटे क्यों बनते हो? अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या क्या दिया? भैया बताएंगे, भगवान ने आपको क्या दिया, क्या दिया? अच्छा ये बता, छोड़ो, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान ने आप लोगों को आज तक जो जो दिया है उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? जिससे पूछूंगा वो उत्तर देगा। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया तो ईश्वर के सब कुछ देने पर आपको सबसे श्रेष्ठ वस्तु ईश्वर ने क्या दी? उन सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आप किसे मानते हैं? मैं ये बताएंगे, आप बताइए। ईश्वर ने आपको सब दिया, उनमें सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है ईश्वर की, जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं? सबसे ऊपर पहला नंबर आप किसे रखे हैं? पहले नंबर पर भगवान। भगवान ने जो आपको दिया है उसमें से आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? क्या दिया भगवान ने आपको, पहले तो ये बताओ। सब कुछ दिया, उन सब कुछ में एक चीज बताओ जो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति। आप बताओ। माता पिता। ठीक है, आप बताओ। हाँ, ईश्वर ने हमें जितना कुछ दिया हमारी औकात से ज्यादा दिया, पर हमारी भगवान ने हमें एक चीज दी है जो अनमोल है। और वो अनमोल क्या है? अनमोल है ये मानव का शरीर, ये शरीर अनमोल है। ये शरीर है तो भक्ति भी है, ये शरीर है तो माता पिता भी हैं, ये शरीर है तो भगवान है। और ये शरीर ही नहीं तो किससे फिर भगवान की उपासना करोगे, और किससे कहोगे कि ये माता पिता हैं, और किससे भजन करोगे? तो ईश्वर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव का शरीर मोक्ष का द्वार है, साधन है, ईश्वर तक पहुंचने का साधन। जैसे दिल्ली तक जाने का साधन गाड़ी है, दिल्ली तक जाने का साधन ट्रेन है, उसी तरह ईश्वर तक जाने का साधन शरीर है, मानव शरीर है। तो आप भगवान तक भी जा सकते हैं, स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, और नरक तक भी जाएं।
तो ये शरीर साधन है, और सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर ने आपको ये साधन दे रखा। इसलिए अब आपको साधन तो मिल ही गया, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को जो छोटा मोटा घर ईश्वर ने दे ही रखा है। अब क्या पाना शेष रहा? अब उसे प्राप्त कर लो जिसने ये सब दिया है। हे प्रभु, आप तो दे दिए हैं, अब एक बार आप, अब सब कुछ आपने दिया, तो अब ये सब कुछ उठाकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं।